वेलकम बैक फ्रेंड्स, आपका स्वागत है इस वीडियो सीरीज में जिसमें हम कर रहे हैं कंप्यूटर के कम्पिटिटिव एग्जाम्स में आने वाले कुछ इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज। कंटिन्यू करते हैं प्रश्न नंबर 28 से। कंप्यूटर बंद हो जाने पर डैश के कंटेंट्स लॉस्ट हो जाते हैं। प्रश्न कहना चाह रहा है कि जब हम कंप्यूटर बंद करते हैं या इलेक्ट्रिसिटी कट हो जाती है या हम शट डाउन कर देते हैं, तो वह कौन सी मेमोरी है जिसके कंटेंट्स या जिसमें जो डाटा स्टोर हुआ होता है वो गायब हो जाता है, मिट जाता है या लॉस्ट हो जाता है? तो वो होती है मेमोरी। मेमोरी जो मेन मेमोरी होती है या रैम जिसे हम कह देते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था, रैम मेन मेमोरी, फिजिकल मेमोरी या प्राइमरी मेमोरी या सिर्फ मेमोरी, ये तीनों चीज़ें एक ही हैं और इन्हें वॉलेटाइल मेमोरी कहा गया है। जब भी इलेक्ट्रिसिटी बंद होती है या हम कंप्यूटर शट डाउन करते हैं, रिस्टार्ट करते हैं, तो इनके कंटेंट्स जो हैं मिट जाते हैं, गायब हो जाते हैं। अगला प्रश्न है हमारे पास, इंस्ट्रक्शंस के सीरीज जिनको कंप्यूटर एक या अधिक पर्टिकुलर टास्क परफॉर्म करने के लिए कहती है वो कहलाते हैं, वो होते हैं प्रोग्राम्स। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, अगर उससे हमें कोई काम लेना है तो वो काम स्टेप वाइज इंस्ट्रक्शंस में हमें उसे लिख कर देना पड़ता है और उसी काम को क्या कहते हैं, प्रोग्राम बनाना, या उसे प्रोग्राम कहते हैं। प्रोग्राम के अंदर हम इंस्ट्रक्शंस को स्टेप वाइज लिखेंगे और इन्हीं स्टेप्स को फॉलो करके कंप्यूटर क्या है, हमारा पर्टिकुलर काम कर देगा, तो उन्हें कहते हैं प्रोग्राम्स। इंस्ट्रक्शंस के सीरीज को प्रोग्राम कहते हैं। प्रश्न नंबर 30 है हमारे पास, नंबर पैड से डायरेक्शनल एरे के रूप में काम लेने के लिए कौन सी कुंजी दबानी पड़ती है? पहले तो प्रश्न समझिए, ये क्या कहना चाहता है। ये आपका कीबोर्ड है, ठीक है, इसके इस भाग में एक नंबर पैड होता है जिसमें 1 2 3 4 5 6 या कैलकुलेटर बटन जिन्हें कहते हैं वो वाले होते हैं। इनमें चार, छ, आठ और दो के ऊपर यहाँ जो हमारे पास कीज होते हैं, अप एरो, डाउन एरो, लेफ्ट राइट, ठीक है, तो वही एरो कीज यहाँ पर प्रिंट हुए होते हैं। अगर हम इन कीज से इस डायरेक्शनल एरो का काम लेना चाहते हैं तो हमें कौन सी की साथ में दबानी पड़ेगी? अगर हम राइट में जाना चाहते हैं तो हम इस 6 को प्रेस करके भी जा सकते हैं, पर साथ में हमें शिफ्ट की को दबाना पड़ता है। अगर हम शिफ्ट की को जो यहाँ होती है उसे होल्ड कर सकते हैं, या यहाँ भी आपको एंटर के साथ में देखने को मिल जाएगी, इनको होल्ड करके रखते हैं और इन एरो कीज में से किसी को भी प्रेस करते हैं तो इन कीज का काम लिया जा सकता है। तो कौन सी की है वो? शिफ्ट की। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास है 31, किसी भी कंप्यूटर सिस्टम में सबसे छोटा यूनिट जिससे 8 मिलकर 1 बाइट बनता है। मैंने आपको पहले ही बताया था, कंप्यूटर है एक डिजिटल मशीन या डिजिटल कंप्यूटर है, ये 0 और 1 को समझता है, ठीक है, 0 और 1 की भाषा को हम कहते हैं बाइनरी भाषा, ठीक है। तो ये क्या होते हैं, बाइनरी डिजिट्स, या हम इनको बिट्स भी बोल देते हैं, बिट्स नाम बना है बाइनरी डिजिट से, ठीक है। तो 8 बिट्स मिलकर 1 बाइट बनाते हैं। मैंने आपको बताया था सबसे छोटा भाग होता है 0 या 1 जिन्हें बिट्स कहते हैं, 8 बिट्स मिलकर 1 बाइट बनाते हैं, ठीक है। तो वह 8 बिट्स मिलके 1 बाइट बनता है, ठीक है। ये कंप्यूटर का सबसे छोटा भाग होता है 0 या 1 बिट्स या बाइनरी डिजिट्स। प्रश्न नंबर 32 हमारे पास है, किसी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज में एक्सेस के लिए यूज की जाने वाली माउस टेक्निक कौन सी है? ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट उसकी प्रॉपर्टीज
प्रॉपर्टीज में हम क्या क्या एक्सेस कर सकते हैं। मान लीजिए ये डेस्कटॉप पे आपके पास दिस पीसी का आइकन है, या पहले माई कंप्यूटर होता था। इस पे आप जब भी राइट क्लिक करेंगे, इसको सिलेक्ट करने के बाद राइट क्लिक करेंगे, तो इस पर आप जो भी एक्शंस परफॉर्म कर सकते हैं उसकी लिस्ट आपको आ जाएगी। मान लीजिए ये एक MP3 फाइल पड़ी है, गाने की फाइल है। इस पे आप राइट क्लिक करोगे तो आपको प्ले के ऑप्शन मिल जाएंगे, डिलीट, कॉपी के बड़े सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। तो ये माउस टेक्निक कौन सी है? ये है राइट क्लिकिंग। किसी भी ऑब्जेक्ट पे आप राइट क्लिक करो, उस पे जो भी आप काम कर सकते हो वो ऑप्शन आपको एक लिस्ट में दिखाए जाएंगे, उनमें जो भी सिलेक्ट करो वो एक्शन परफॉर्म हो जाएगा। तो राइट क्लिकिंग। प्रश्न नंबर 33। किसी फाइल को एक फोल्डर से दूसरे फोल्डर में ले जाने के लिए आदेशों का कौन सा जोड़ा दिया जाता है? ठीक है, दो तरीकों से हम एक फाइल को दूसरी फाइल में ले जा सकते हैं। ठीक है, मान लीजिए ये फोल्डर है ए और ये फोल्डर है बी। इस फोल्डर के अंदर एक फाइल पड़ी है, फाइल वन। हमने वो फाइल वन फोल्डर बी के अंदर लेके जानी है, तो हम इसे कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। कॉपी पेस्ट में क्या होगा, फाइल वन जो है ए फोल्डर के अंदर भी मौजूद रहेगी और फोल्डर बी के अंदर उसकी एक कॉपी बन जाएगी। ठीक है, तो ये कॉपी पेस्ट होता है। अगर हम करते हैं कट पेस्ट, कट पेस्ट में क्या होगा, वो फाइल फोल्डर ए में नहीं रहेगी, वो सिर्फ फोल्डर बी में चली जाएगी। कट का मतलब यहाँ से उठाया और यहाँ मूव कर देना इसे, और कॉपी पेस्ट का मतलब उसकी एक कॉपी लेना। तो इस प्रश्न के अकॉर्डिंग किसी फाइल को एक फोल्डर से दूसरे फोल्डर में ले जाने के लिए, तो ये कट पेस्ट इसका आंसर रहेगा। एक फाइल को दूसरे फाइल में, फाइल को दूसरे फोल्डर में ले जा रहा है ये, ना कि उसकी कॉपी कर रहा है। कट और पेस्ट, यहाँ से कट करेंगे, इस फोल्डर में पेस्ट करेंगे, यहाँ से डिलीट हो जाएगा, सिर्फ यहीं पे वो फाइल रहेगी। तो कट पेस्ट इसका आंसर है। प्रश्न नंबर 32। कंप्यूटर से हार्ड कॉपी उपलब्ध कराता है, हार्ड कॉपी और सॉफ्ट कॉपी में फर्क समझिए। अगर आप एमएस वर्ड में काम कर रहे हो, आपने एक लेटर लिखा है जो आपको मॉनिटर पे दिख रहा है अभी, ठीक है, तो ये है सॉफ्ट कॉपी। अगर आपने उसे प्रिंट निकाल दिया, आप एक A4 साइज के या कोई भी साइज का पेज है उस पर आपने प्रिंट निकाल दिया और वो एक पेज के ऊपर शाही से प्रिंट होके बाहर आया है और आपके हाथ में है, आप उसे फील कर सकते हो, तो वो होती है हार्ड कॉपी। और ये हार्ड कॉपी हमने बोला प्रिंट करके, तो ये प्रिंटर ऐसी डिवाइस है जो एक सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में बना सकता है या बदल सकता है। तो कंप्यूटर से हार्ड कॉपी उपलब्ध कौन कराएगा हमें? प्रिंटर। प्रश्न नंबर 34 है हमारे पास। निम्न में से क्या एक्सेल का बिल्ट इन फंक्शन नहीं है? तो बिल्ट इन फंक्शंस वो होते हैं जो एक्सेल या किसी प्रोग्राम के अंदर जब वो बनाया गया था उसी टाइम उसमें डाल दिए जाते हैं, उन फंक्शंस को बिल्ट इन फंक्शंस कहते हैं। तो एमएस एक्सेल के अंदर जब भी हम रोज कॉलम में काम कर रहे होते हैं तो हम कुछ ऑपरेशन ऑपरेट करते हैं, जैसे सम कर दिया हमने, कुछ यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है, इनका सम कर दिया, ठीक है, यहाँ पर इसमें सम आ गया, और एवरेज, इसका एवरेज निकाल देगा, मैक्स इनमें से सबसे बड़ा नंबर पता कर देगा। लेकिन जो टोटल है, टोटल नाम का कोई फंक्शन एक्सेल के अंदर इनबिल्ट नहीं है। हम सम यूज करते हैं उनका सम निकालने के लिए, टोटल जो है इनबिल्ट फंक्शन नहीं है। एवरेज होता है, मैक्स भी होता है, सम भी होता है, लेकिन टोटल नहीं होता। प्रश्न नंबर 35 है हमारे पास। DBMS यानी डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का काम क्या है या काम है, इनमें से कौन से काम है उसके? तो डाटाबेस सबसे पहले क्लियर करते हैं क्या चीज़ होती है। हम MS Excel के अंदर एक टेबल बनाते हैं या जिसमें काम करते हैं रोज और कॉलम्स के अंदर, ठीक है, उसमें हम काफ़ी सारे रिकॉर्ड्स डालते हैं, जैसे कि यहाँ पर आ गया सीरियल नंबर, नेम, एज, ठीक है, और जिस क्लास, कौन सी क्लास में पढ़ रहा है बच्चा, ये पहला रिकॉर्ड हो गया, दूसरा रिकॉर्ड, तीसरा रिकॉर्ड, चौथा रिकॉर्ड, ठीक है। तो इस
जो रिलेशन है ये रो और कॉलम का, जो टेबल बना है हमारे पास, इस चीज़ को हम डाटाबेस कहते हैं, जिसमें हम कई सारे बच्चों का डाटा एक साथ रखते हैं। ठीक है, तो अब डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या है, जो इस टेबल को बनाने में, इसको ऑपरेट करने में, इसको बड़ा करने में, छोटा करने में, इसमें कॉलम्स और ऐड करने में हमारी जो मदद करता है वो है डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो उसका काम क्या है, डाटाबेस को बनाने में हमारी मदद करे, डाटाबेस में कुछ बदलाव करना है, जैसे अपने बच्चों का, ठीक है, फीस वगैरह का डिटेल डालनी है तो वो भी हमें अलाउ करे, एक कॉलम और ऐड कर सकें हम, डाटाबेस रिकॉर्ड प्रविष्ट करना या पता लगाना, ठीक है, अगर हम ये चाहते हैं, ठीक है, ये पता लगा सकते हैं, इसमें और डाटा एंट्री कर सकते हैं 6वीं, या एक और रो हमें इसमें ऐड कर सकते हैं, 6वें बच्चे के डाटा डाल सकते हैं, और डाटाबेस से रिकॉर्ड डिलीट करना, अगर हम इसका डिलीट करना चाहते हैं तो हमें डिलीट करने के भी मदद करिए, कुछ डाटा चुनना, अगर हम चुनना चाहते हैं वो बच्चे जो जिनका नाम ए से शुरू हो रहा है तो वो बच्चे हम चुन सकते हैं, ठीक है। तो सारा काम ये करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर 4, एक डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के ये सारे काम होते हैं, डाटाबेस बनाना, बदलाव करना, डिलीट करना, रिकॉर्ड्स फेच करना, रिकॉर्ड्स और डालना, या उसमें कुछ रिकॉर्ड चुनना, सभी काम डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के होते हैं। प्रश्न नंबर 36, इसका उपयोग किसी सेट से एक या अधिक सुविधाओं या विकल्पों को सक्षम या अक्षम करने के लिए किया जाता है। जब कोई विकल्प चयनित होता है तो बॉक्स में क्रॉस या राइट का चिन्ह दिखाई देता है। ठीक है, तो ये दो चीज़ें होती है हमारे पास मेन, आमतौर पे एक होता है रेडियो बटन जो अक्सर हमें गोलाकार दिखाई देता है, और एक होता है चेक बॉक्स। अब दोनों में फर्क समझिए, आप एक फॉर्म फिल कर रहे हैं, मान लीजिए आपसे पूछता है कि यहाँ पर कुछ सुविधाएं या सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं, ये कुछ सर्विस हैं 1, 2, 3, 4, इनके आगे चेक बॉक्स लगा हुआ है, ठीक है, आपको जो भी सुविधाएं चाहिए वो आप इसमें से टिक कर सकते हो। अगर कुछ ऐसे ऑप्शन है जो आप मल्टीपल टिक कर सकते हैं, एक या एक से ज़्यादा या कोई भी नहीं, तो वो ऑप्शन हमें प्रोवाइड कराता है चेक बॉक्स, ठीक है। और कुछ ऑप्शन ऐसे होते हैं जैसे हमें उनमें से कोई एक चुन सकते हैं, जैसे कि सेक्स पूछा है मेल या फीमेल, तो वहाँ पर एक राउंड बटन या ऐसा लगा होगा जिसे रेडियो बटन कहते हैं, इन दोनों में से हम कोई एक चूज कर सकते हैं, या तो हम फीमेल चूज कर सकते हैं या हम मेल चूज कर सकते हैं, दोनों एक साथ इकट्ठे नहीं कर सकते। जब ऐसी ऑप्शन हमारे पास आए तो हम यूज करते हैं रेडियो बटन को, इसे कहते हैं रेडियो बटन, दोनों में से कोई एक चूज करना है और एक एटलीस्ट चूज हमें करना होता है, ठीक है, एक से ज्यादा नहीं कर सकते। जब हम मेल को क्लिक करेंगे तो फीमेल गायब हो जाएगा, ये एक पर रहेगा। अगर हम मल्टीपल का ऑप्शन चाहते हैं तो हमें चेक बॉक्स यूज करना होता है वहां पर, अगर सिर्फ कोई एक करना है मेल या फीमेल जैसे ऑप्शन के लिए, वहां पर रेडियो बटन। तो हमारे क्वेश्चन के हिसाब से जो है चेक बॉक्स जो है इसका राइट आंसर रहता है। प्रश्न नंबर 37 है हमारे पास, डिजिटल मार्केटिंग का अर्थ है, मार्केटिंग सबसे पहले क्या होती है, प्रोडक्ट होता है आपके पास, आपने वो प्रोडक्ट आम जनता को बेचना होता है, उस प्रोडक्ट के फायदे नुकसान बताकर या उसकी इम्पोर्टेंस बताकर। अब उसके आगे एक वर्ड आ गया डिजिटल, आपने प्रोडक्ट बेचने हैं, सर्विसेज बेचनी है, लेकिन प्लेटफॉर्म कौन सा यूज़ करना है या डिवाइसेस या जो तरीका है वो कौन सा यूज़ करना है, डिजिटल। डिजिटल में क्या आता है, इंटरनेट और फोन या पीसी, इनके माध्यम से आपने वो चीज़ें बेचनी है या सर्विसेज बेचनी है। तो डिजिटल मार्केटिंग का मतलब है इंटरनेट पे या ईमेल से या फोन से, जो भी आपको मॉडर्न तरीके मिलते हैं डिजिटल तरीके, उनसे अगर आप मार्केटिंग करते हो तो वो है डिजिटल मार्केटिंग। अगला प्रश्न हमारे पास, C++ प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए डैश कमांड का प्रयोग किया जाता है। अभी C++ का प्रोग्राम एग्जीक्यूट यानी कि रन से मैं मान के चलता हूँ इसे, रन, तो रन करने के लिए हमें कंट्रोल F9 की दबाना पड़ता है,
और रन करने से पहले हमें इस प्रोग्राम को कंपाइल करना चाहिए। कंपाइल के लिए Alt F9 हम कीज़ कम्बिनेशन को यूज़ करते हैं। मान लीजिए ये C++ का प्रोग्राम है, ठीक है, तो जैसे हम Alt F9 करेंगे ये फाइल बन जाएगी एक ऑब्जेक्ट कोड के अंदर, ठीक है। जब हम Control F9 करेंगे तो ये फाइल बन जाएगी 0101 बाइनरी कोड, जो एक कंप्यूटर के अंदर एग्जीक्यूट हो सकता है। तो कंपाइल करने के लिए Alt F9 और एग्जीक्यूट या रन करने के लिए Control F9 का यूज़ किया जाता है। याद रखना, कंपाइल के लिए Alt F9 और एग्जीक्यूट या रन करने के लिए Control F9। प्रश्न नंबर 38 हमारे पास है, टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग से तात्पर्य है। टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग से मतलब हमारा लाइन स्पेसिंग से भी होता है, टेक्स्ट स्पेसिंग से भी होता है और मार्जिन स्पेसिंग से भी। तो इसका जवाब हो गया ये सभी। अब लाइन स्पेसिंग होता क्या है, ये आपका एक वर्ड डॉक्यूमेंट है, आप कुछ लाइंस लिख रहे हो टेक्स्ट की, इन लाइंस के बीच में जो दूरी है, अगर ये आप टेक्स्ट अच्छा दिखने के लिए कम ज़्यादा कर रहे हैं तो इस ऑप्शन को कहते हैं लाइन स्पेसिंग। और अगर आप ऐसे टेक्स्ट लिख रहे हो, ये जो बीच की दूरी है किसी वर्ड्स के, जो लेटर्स के बीच की दूरी है, ये आप कम ज़्यादा कर रहे हो अच्छा दिखने के लिए, तो वो है टेक्स्ट स्पेसिंग। और मार्जिन स्पेसिंग क्या है, जब आप प्रिंटिंग टाइम जितना एरिया प्रिंटर को बोलते हो कि इससे ज़्यादा एरिया पे आपने प्रिंट नहीं करना, मतलब प्रिंटिंग एरिया डिफाइन कर देना, ठीक है, इस एरिया पे प्रिंटर प्रिंट नहीं करेगा, इसे छोड़ देगा, ठीक है। प्रिंटर को रिस्ट्रिक्ट करना कि इतना एरिया छोड़ो, जितना ज़्यादा मार्जिन दोगे उतना एरिया प्रिंटर प्रिंटिंग के लिए छोड़ देगा। मान लीजिए आपने काफ़ी मार्जिन दिया है तो आपका प्रिंट सिर्फ इतने एरिया में हो जाएगा, ये सब मार्जिन दे दिया आपने, ठीक है। तो मार्जिन, लाइन स्पेसिंग, टेक्स्ट स्पेसिंग, ये सारे फॉर्मेटिंग के अंदर आते हैं। प्रश्न नंबर 40 है हमारे पास अभी, HTML द्वारा कोडिंग करके बनाए जाने वाले वेब पेज की क्या एक्सटेंशन होती है। एक्सटेंशन मैंने आपको पहले बताया किस चीज़ को बोलते हैं, कंप्यूटर के अंदर कोई फाइल सेव करते हैं हम, तो फाइल का नाम होगा मान लो ABC, फिर एक डॉट आएगा और डॉट के बाद जो लिखा जाता है, जैसे DOC हो गया डॉक्यूमेंट फाइल के लिए, डॉट MP3 हो गया ऑडियो फाइल के लिए, डॉट JPEG हो गया जैसे इमेजेस के लिए, ठीक है। तो वो अगर HTML यानी कि जो हम इंटरनेट यूज़ करते हैं, हमें मान लीजिए google.com लिखा हमने, तो एक पेज हमारे सामने आ जाता है गूगल का, ठीक है। तो वो पेज बनाने के लिए हमें कोडिंग करनी पड़ती है HTML के अंदर। क्या है HTML? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है। इसके अंदर जब कोडिंग करते हैं तो इसकी फाइल .html में भी सेव हो सकती है और .htm में भी सेव हो सकती है। तो इसका सही आंसर है ये दोनों, HTML और HTML दोनों। अगला प्रश्न 41, HTML भाषा के प्रोग्राम को रन करने के लिए डैश सॉफ्टवेयर का प्रयोग होता है। इसका जवाब है इंटरनेट एक्सप्लोरर। अब इंटरनेट एक्सप्लोरर क्या है, ये एक वेब ब्राउज़र है, ठीक है। इंटरनेट पे जो भी वेब पेजेस हैं, जैसे हम लिखते हैं www.google.com लिख देते हैं, तो एक वेब पेज हमारे सामने आता है, ठीक है। ये वेब पेज बनता है इस HTML भाषा के अंदर, और इसको दिखाने के लिए या इसको इस तक पहुंचने के लिए हम एक वेब ब्राउज़र की ज़रूरत पड़ती है, और वेब ब्राउज़र जो है मार्केट में काफ़ी सारे अवेलेबल हैं। इंटरनेट एक्सप्लोरर ये माइक्रोसॉफ्ट द्वारा बनाया गया है, और एक है गूगल क्रोम जो गूगल ने बनाया है, ठीक है। ओपेरा भी है, यूसी ब्राउज़र भी है, इस तरह से और भी काफ़ी ब्राउज़र हैं जो HTML पेजेस को दिखाने के लिए हमारे काम आते हैं। प्रश्न नंबर 42 है अभी हमारे पास, OSI मॉडल की डैश लेयर्स होती हैं, ठीक है। OSI मॉडल और एक और मॉडल होता है हमारे पास TCP/IP, दोनों की फुल फॉर्म पहले पढ़ लेते हैं। OSI का मतलब ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन, और TCP/IP का मतलब ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल या इंटरनेट प्रोटोकॉल। अब ये दोनों
कहाँ काम आते हैं हमारे पास? जब भी दो कंप्यूटर इंटरनेट के ज़रिए जब फाइल्स शेयर करते हैं तभी ये दोनों मॉडल हमें काम आते हैं, दोनों में अच्छी तरह से कम्युनिकेशन के लिए। ठीक है, ये बनाया किस लिए गया था या किसने बनाया था? ISO ने बनाया था। ISO का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। ठीक है, ये ऑर्गेनाइजेशन सभी जो डिवाइसेस हैं इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस या जो कम्युनिकेशन नेटवर्क के लिए जितने भी डिवाइसेस हैं सभी के लिए स्टैंडर्ड्स निर्धारित करता है। OSI मॉडल्स में 7 लेयर्स होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? जो रेड पेन से लिखी गई हैं वो OSI की लेयर्स हैं। फिजिकल लेयर, डाटा लिंक लेयर, नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, सेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर और एप्लीकेशन लेयर्स। ठीक है, ये OSI मॉडल क्या है? एक थ्योरी मॉडल है। एक्चुअल में जो मॉडल काम करता है जिससे दो कंप्यूटर बात करते हैं या फाइल शेयर करते हैं वो है TCP/IP मॉडल। ठीक है, इसमें क्या किया गया है? इसमें बोला गया है सिर्फ 4 लेयर्स होती हैं। वो कौन कौन सी है? ठीक है, इसमें क्या किया, इसने फिजिकल लेयर, डाटा लिंक लेयर को कंबाइन करके फिजिकल लिंक लेयर बना दिया गया है और बाद में नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर और सेशन, प्रेजेंटेशन और एप्लीकेशन लेयर को मिला के ये एप्लीकेशन लेयर बना दिया गया है। तो OSI मॉडल की 7 लेयर, और पूछा जाए आपसे TCP/IP में कितनी लेयर्स होती हैं तो उसका जवाब है 4। OSI मॉडल में 7 लेयर्स और TCP/IP में 4 लेयर्स। और कौन कौन सी होती हैं ये आप देख लीजिए, OSI में 7 और TCP/IP में 4। प्रश्न नंबर 43 है हमारे पास। हब एक डैश डिवाइस है। ठीक है, इसका जवाब है एक्टिव डिवाइस। अभी एक्टिव डिवाइस और पैसिव डिवाइस दो तरह के डिवाइस होते हैं। हब सबसे पहले तो ये जान लीजिए हब चीज़ क्या है और कहाँ इसका यूज़ होता है। हब एक डिवाइस है जो नेटवर्किंग में यूज़ होता है। हमने पढ़ा हुआ है छोटी क्लासेस में कि कुछ एक बस टोपोलॉजी होती है, यहाँ कंप्यूटर जुड़ा है, यहाँ कंप्यूटर जुड़ा हुआ है, यहाँ जुड़ा हुआ है। ठीक है, और रिंग भी होती है। ठीक है, और एक हमने टोपोलॉजी पढ़ी थी स्टार टोपोलॉजी। इसमें क्या है, एक हब होता है बीच में और इससे PC1, PC2, PC3 ये सब जुड़े होते हैं। ठीक है, PC1, PC2, PC3, PC4। अभी हब जो है ये एक एक्टिव डिवाइस है। जो पैसिव डिवाइस होता है वो क्या करता है, वो सिर्फ एक कनेक्टर होता है। जैसे कि ये कंप्यूटर है यहाँ पर और यहाँ मैंने एक कंप्यूटर और जोड़ दिया यहाँ पर, तो यहाँ जो केबल में जो मैंने कनेक्शन दिया वो एक पैसिव डिवाइस है जिसका काम सिर्फ यहाँ से जो करंट आ रहा है यहाँ पास करना है और उसका कोई लेना देना नहीं होता। लेकिन हब जो है एक एक्टिव डिवाइस है, एक इंटेलिजेंट डिवाइस है। ये अगर ये PC सिग्नल भेज रहा है PC2 को तो ये सिर्फ यहाँ से सिर्फ PC2 को ही मैसेज भेजेगा। इसीलिए जो डिवाइसेस जिन्हें बिजली की ज़रूरत होती है, सीधा सीधा हिसाब है, जिन्हें बिजली की ज़रूरत होती है वो एक्टिव डिवाइस होती हैं। और जैसे कि यहाँ पर कनेक्टर था जिसे बिजली की कोई ज़रूरत नहीं थी खुद से ऑपरेट करने के लिए, वो पैसिव डिवाइसेस होती हैं। तो हब एक एक्टिव डिवाइस है या समझदार डिवाइस है, और जैसे कनेक्टर होता है वो एक पैसिव डिवाइस होता है। प्रश्न नंबर 44, डॉक्यूमेंट में फॉन्ट साइज को बढ़ाने के लिए कौन सा की का प्रयोग किया जाता है? तो टेक्स्ट साइज को बढ़ाने के लिए या फॉन्ट साइज को बढ़ाने के लिए कंट्रोल के साथ शिफ्ट की दबाएं और साथ में ग्रेटर देन का सिंबल दबाएं। ठीक है, ये टेक्स्ट को बढ़ा कर देगा। सबसे पहले आपको टेक्स्ट को सिलेक्ट करना होता है। जैसे मान लो यहाँ पर ABC लिखा हुआ है, इसे सिलेक्ट करने के बाद ही ये की कम्बिनेशन काम करेगा। अगर बड़ा करना है तो कंट्रोल शिफ्ट के साथ ग्रेटर देन, अगर छोटा करना है उसे तो कंट्रोल शिफ्ट के साथ लेस देन। हमें प्रश्न में क्या गया है, फॉन्ट साइज को बढ़ाने के लिए, तो बढ़ाने के लिए ग्रेटर देन सिंबल काम यूज़ करेंगे, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ग्रेटर देन। और इस प्लस का मतलब ये नहीं है कि प्लस भी दबाएं, आपने सिर्फ कंट्रोल बटन को होल्ड करना है, शिफ्ट बटन को होल्ड करना है और ग्रेटर देन को, तीन बटन आपने प्रेस करनी है। ये सिर्फ कम्बिनेशन को शो करने के लिए दिया गया है। प्रश्न नंबर 45, टेक्स्ट को डबल अंडरलाइन करने के लिए डैश का प्रयोग करते हैं। ठीक है, कोई वर्ड लिखा हुआ है ABC,
इसको डबल अंडरलाइन करना है, नीचे दो लाइंस आनी चाहिए। उसके लिए हमारे पास होता है कंट्रोल के साथ शिफ्ट और साथ में डी प्रेस करने से डबल अंडरलाइन आ जाता है। और सिंगल अंडरलाइन के लिए कंट्रोल यू करते हैं तो सिंगल अंडरलाइन हो जाता है, डबल के लिए कंट्रोल शिफ्ट डी। प्रश्न नंबर 46 है अभी हमारे पास। सूचनाओं को पंक्ति व स्तंभ के रूप में व्यवस्थित करने को डैश कहा जाता है। सूचनाओं यानी इंफॉर्मेशन या डाटा को पंक्ति और स्तंभ के रूप में, जैसे कि हमारा एमएस एक्सेल करता होता है, ठीक है, सेल्स यहाँ पर डाटा स्टोर करता है वो, और रोज, इन्हें रोज कहा जाता है और इन्हें कॉलम कहा जाता है। तो रो और कॉलम के अंदर जो डाटा सेव करता है या उस चीज़ को क्या कहते हैं, उस चीज़ को टेबल कहते हैं हम। डाटा जब भी हम रो और कॉलम इनकी इंटरकनेक्शन या सेल्स के अंदर सेव करते हैं तो उस चीज़ को टेबल कहा जाता है। प्रश्न नंबर 47 है अभी हमारे पास। स्लाइड शो व्यू में पिछली स्लाइड पर जाने के लिए कौन सा बटन दबाया जाता है? तो दो या तीन बटन सब हमारे पास ऐसे हैं जिससे हम पिछली स्लाइड्स में जा सकते हैं। एंटर से भी अगली स्लाइड में जाएंगे, स्पेस बार से भी, एन से भी अगली स्लाइड में जाएंगे, और कीबोर्ड के ऊपर पेज अप और पेज डाउन नाम के दो बटन होते हैं। पेज अप से आप पिछली स्लाइड में जा सकते हैं, लेकिन हमारे पास यहाँ पर ऑप्शन है, ठीक है, यही है, तो इससे भी आप जा सकते हैं। और डायरेक्शनल कीज़ जो हमारे होते हैं या एरो कीज़ होते हैं उनसे भी आप, जैसे ये बटन है लेफ़्ट और ये अप, इन दोनों से भी आप पिछली स्लाइड में जा सकते हैं। ये दोनों नेक्स्ट स्लाइड के लिए, नेक्स्ट, और ये प्रीवियस स्लाइड के लिए। तो अप एरो से भी, लेफ्ट एरो से भी और पेज अप से भी आप पिछली स्लाइड में जा सकते हैं। हमारे ऑप्शंस में पेज अप दिया गया है, इसलिए यही सही आंसर है। प्रश्न नंबर 48 है हमारे पास। हार्ड डिस्क में विभिन्न प्रोग्रामों की ड्राइव्स की भौतिक त्रुटियों की जांच करने एवं उनको ठीक ढंग से करने के लिए विंडोज़ में एक प्रोग्राम उपलब्ध है जिसे कहते हैं कि वो प्रोग्राम है स्कैन डिस्क। एक होता है CHKDSK, चेक डिस्क नाम का भी एक होता है। इसमें धोखा मत खा जाना, ये स्पेलिंग मिस्टेक्स हैं यहाँ पर, ऐसा नहीं होता। CHKDSK लिखा हो तो ही वो सही होता है। तो ये क्या था, ये पुराना था चेक डिस्क। अभी जो ट्रेंडिंग में या फिर नया जो है वो है स्कैन डिस्क। ये क्या करता था, जो आपके कंप्यूटर के ड्राइव के अंदर या डिस्क के अंदर कुछ एरर्स हैं तो उन्हें सिर्फ फाइंड आउट करके उसकी लिस्ट बना के आपको दिखा देता था, उन्हें ठीक नहीं करता था। लेकिन स्कैन डिस्क क्या है, आजकल के ऑपरेटिंग सिस्टम में है, नया है, और ये एरर्स दिखाने के साथ साथ एरर्स को ठीक भी कर सकता है आपके लिए। तो स्कैन डिस्क, यही स्पेलिंग्स होते हैं, और चेक डिस्क अगर हो तो उसकी स्पेलिंग ये होते हैं CHKDSK। तो इसका सही जवाब है स्कैन डिस्क, क्योंकि ये तो वैसे भी गलत है। प्रश्न नंबर 49। डैश एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसके द्वारा वीडियो व ऑडियो CD को चलाया जाता है। ऑडियो और वीडियो CDs के चलाने के लिए हमें MPEG प्लेयर की ज़रूरत पड़ती है। MPEG बोलना है इसे, MPEG नहीं, MPEG बोलना है, और इसका फुल फॉर्म है मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट्स ग्रुप, ठीक है, और CD का फुल फॉर्म है कॉम्पैक्ट डिस्क, कॉम्पैक्ट डिस्क, ठीक है। तो ऑडियो और वीडियो CDs के चलाने के लिए MPEG प्लेयर की हमें ज़रूरत पड़ती है। ये काफ़ी तरह के होते हैं, जैसे कि मोस्ट पॉपुलर विंडोज़ के अंदर है VLC प्लेयर, या विंडोज़ का खुद का अपना है मीडिया प्लेयर, ठीक है। प्रश्न नंबर 50 है हमारे पास। ड्रम प्रिंटर डैश प्रकार के प्रिंटर का एक उदाहरण है। ड्रम प्रिंटर जो बिल्कुल पहले होता था पुराने ज़माने का, वो था एक करेक्टर प्रिंटर, और उसमें एक ड्रम होता था जो हैमर की मदद से पेज पर इम्पैक्ट करके प्रिंटिंग करता था। लेकिन आज के कुछ लेज़र प्रिंटर के अंदर ड्रम का हम यूज़ कर रहे हैं और वो एक लाइन को लिख पाते हैं। तो हम इसे मान के चलेंगे, ये जो ड्रम प्रिंटर की बात कर रहा है, ये नए वाले लेज़र प्रिंटर की बात कर रहा है तो लाइन प्रिंटर है। अगर पुराने वाले की बात कर रहा है तो वो एक करेक्टर प्रिंटर हो सकता है। लेकिन
लाइन प्रिंटर क्रम प्रिंटर के लिए मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर रहेगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका धन्यवाद। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो में आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल इट्स जी के गुरु जी को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के अंदर शेयर करें। थैंक्स अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।